भारतीय प्रश्नपूर्ति की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गृहवान में जाके ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। ताली बजा के पेट दे के उनकी दम उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। जीवन अमूल्य होता है, जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं आपको, चूंकि मैं ये नंबर नहीं रखना चाहता था, लेकिन चूंकि माननीय सांसद पूछ रहे हैं इसलिए मैं नंबर रखना चाहूँगा, लेकिन इसमें बहुत ही संवेदना के साथ इस विषय को रखना चाहिए। एक भी एक्सीडेंट खराब होता है माननीय अध्यक्ष, कोई किसी को सुख नहीं होता है कि इस तरह की परिस्थिति कोई देखे। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले जाके बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए, रेलवे की अर्थव्यवस्था, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट दे के उनकी दम उनका दम दिखाए, उनको हिम्मत बढ़ाए। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये
फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे।